स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, छह लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। छह चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर छह लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को छह लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में छह लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में छह लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम छह लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। संसद में अडानी का नाम लेने के कारण राहुल गांधी को पिछली बार काफी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस बार फिर से उन्होंने अंबानी अडानी का नाम लेकर पूरी संसद में तहलका मचा दिया। लेकिन जब बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि अब वो अंबानी अडानी को A1 और A2 कहकर संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल पूरी तरह एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष के नेता राहुल को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट सर, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर। सो वन एलिमेंट इज फाइनेंशियल पावर, द सेकंड एलिमेंट इज द इंस्टीट्यूशंस, द एजेंसीज, CBI, ED, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ दिस नेशन, and the third is the political executive. Speaker sir, these three together are at the heart of the chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was, Rahul ne aaj kai aise bayan diye jiske baad bawal mach gaya. Desh aaj kamal ke chakravyuh mein phansa hua hai. Berozgari, paper leak se lekar agnivir tak, Rahul Gandhi ne budget charcha mein bahut kuch kaha. Unhone kaha ki jaise Abhimanyu chakravyuh mein phansa tha, वैसे ही देश आज एक नए चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। राहुल गांधी ने बताया कि इस चक्रव्यूह को छह लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी देश एक नए चक्रव्यूह में फंसा है जो लोटस के शेप में है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने चिन्ह के साथ चलते हैं और ये चक्रव्यूह किसान, मीडियम साइज बिजनेस पर असर डाल रहा है। संसद में बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को संसद के नियमों की जानकारी नहीं है और उन्होंने सदन की गरिमा को गिराया है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी राहुल गांधी को टोका और कहा कि सदन में सदन से बाहर के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि वो अंबानी और अडानी का नाम नहीं लेंगे और उन्हें A1 और A2 कहेंगे।